आज की इस वीडियो में आपको किसी को अपने प्यार में तड़पाने के 3 ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिस पर अमल करने से आप जिसको पसंद करते हैं वो भी आपके बारे में सोचने लगेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से बेपनाह प्यार करते हैं लेकिन वो हमारे प्यार की कदर नहीं करते, हमें इग्नोर करने लगते हैं, हमें हल्के में लेने लगते हैं। यही वजह है कि हम उसकी तरफ से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और फिर चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि जैसे हम उसके लिए तड़प रहे हैं तो ऐसे ही वो भी हमारे लिए तड़पे। एक बात समझ लें कि आप अपने पार्टनर को तड़पाना क्यों चाहते हैं, क्या ऐसा करना सही होगा या गलत, जबकि हम तो ये चाहते हैं कि हमारा पार्टनर खुश रहे और इसी का नाम प्यार है। लेकिन यहाँ पर जिस तड़पाने का जिक्र मैं कर रही हूँ उसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को कम से कम आपके प्यार की और आपकी कदर तो हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो कि वो आपको इग्नोर करके गलत कर रहा है तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला तरीका जिससे आप अपने पार्टनर को तड़पा सकते हैं वो ये है, रोना धोना बंद करना। यानी आपको उसके सामने रोना धोना नहीं है। अक्सर लोग सामने वाले की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा ही करते हैं, तो आपको रोना नहीं है और अपने पार्टनर के सामने रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करनी। रोना धोना फौरन बंद करके आप उसे ये दिखाएं कि आप कितने खुश हैं। यानी आप उसको ये जाहिर करवाएं कि आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं और आप अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितने दुखी वो दूसरों को खुश और मुतमईन देखकर होते हैं। तो आप इस प्लस पॉइंट को इस्तेमाल करें, उसे ये दिखाएं कि आप अपनी जिंदगी में उसके बगैर भी बहुत खुश हैं। तो ऐसे आपके पार्टनर से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और उसे समझ नहीं आएगा कि मेरे इग्नोर करने के बाद भी ये इतना खुश कैसे है, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये मेरे बगैर नहीं रह पाएगा लेकिन वो तो मजे में जी रहा है। दरहकीकत हम ये समझते हैं कि अगर वो इग्नोर कर रहा है तो हमें उसे ये बताना चाहिए कि हमारे लिए वो क्या अहमियत रखता है, ऐसे वो हमसे प्यार करने लगेगा, उसे हमारी कदर होगी। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये बात उस पर उल्टा असर करती है। सामने वाला खुद को टॉप चीज समझने लगता है और पहले से ज्यादा चौड़ा हो जाता है कि पता नहीं उसमें ऐसा खास क्या है जो बाकियों में नहीं है। इस तरह आपकी वैल्यू उसकी नजरों में मजीद कम हो जाती है और वो आपको कुछ भी नहीं और खुद को बहुत कुछ समझने लगता है। आप उसको ये बताएं कि उसके बगैर भी आप खुश हैं। वो अगर आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो भी आप उसके बगैर जी लेंगे, तो ट्रस्ट मी उसका गुरूर सिर्फ एक दिन की मार होगा। सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर वो आपसे रिकॉन्टेक्ट करेगा, बस आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। दूसरे नंबर पर आपको इमोशनल नहीं होना। जब भी आपकी उससे कॉल पर बात हो या टेक्स्ट पर बात हो तो आपको इमोशनल नहीं होना, और अगर हो भी जाए तो आपको जाहिर नहीं करना वरना सामने वाला इंसान इसको आपकी कमजोरी बना लेगा। इसीलिए आपको अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और इमोशनल नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा जज्बाती रद्देअमल आपको नहीं दिखाना। अगर आपका पार्टनर बहुत सीरियस मूड में है तो आप उसकी बात को बहुत लाइट लें और बात कितनी ही संजीदा क्यों ना हो उस पर लाइट रिएक्शन दें। तीसरे नंबर पर इजीली अवेलेबल होना। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए तड़पे तो आप उसे कोई भी चीज इजीली प्रोवाइड ना करें। अगर वो चाहता है कि आप उसे बैक टू बैक उसकी मर्जी के मुताबिक कॉल करें तो आप ऐसा नहीं करें। यानी आपका पार्टनर जो चाहता है वो आप करेंगे तो जरूर। अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसे कॉल करें तो आप उसे कॉल तो करें मगर डिले करके, उसे थोड़ा इंतजार करवाएं। अगर आपका पार्टनर ये चाहता है कि आप उससे मिलने आएं तो आप उसे जरूर मिलने जाएं लेकिन थोड़ा सा लेट करके। यानी आपको उसे खुद को इजीली अवेलेबल नहीं करवाना है। जो चीज जितनी कम दस्तयाब होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। जब आप उसे आसानी से दस्तयाब नहीं होंगे तो वो ये जरूर सोचेगा कि आप कहीं किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो गए, इससे आपका पार्टनर जरूर डिस्टर्ब होने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई फायदा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपके किसी मसले के हल पर वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट करें, हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।